ईद उल फितर का त्योहार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया और सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। बताया जाता है कि ईद का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद आता है, जो हमको अपनी गलतियों से तौबा करके नेकी की राह पर चलने का संदेश देता है और इस ईद पर सब गले मिलकर आपसी गिले शिकवों को भुला देते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में तमाम देशवासियों को सबसे पहले मैं ईद की बधाई देना चाहूँगा और आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही खुशी का दिन ईद उल फितर का ये त्यौहार, मीठी ईद भी कहा जाता है इसे, और तमाम भाईचारा मिल कर के मनाया जाता है। ये जो हमारा हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जो हर फूलों की तरह खिलता हुआ नज़र आता है, सब भाईचारा मिल कर के जिस तरह से एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं, तो इसमें हम समझते हैं कि इससे बड़ा त्यौहार, खुशी का त्यौहार जो है और कोई नहीं हो सकता कि एक दूसरे को गले मिलके जो भी शिकवा गिला है, जो भी दुश्मनी भी है किसी को, वो भी अपने दिलों से निकाल करके मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देते हैं। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पे उन्होंने सबको गले लगाया, दुखियों को गले लगाया, भूखों को खाना खिलाया, गरीबों को सहारा दिया, बेसहारों को सहारा दिया। और मैं सभी पूरे हिंदुस्तान वासियों को, पंजाब वासियों को, लुधियाना वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये त्यौहार, ये भाईचारगी का त्यौहार है, इसको कहते हैं ईद उल फितर। सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर, हम जैसे पंजाब के अंदर हैं, पंजाब भाईचारा, हिंदू भाईचारा, सिख भाईचारा, सभी के साथ हम रल मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं, बड़ी खुशियों के साथ में मनाते हैं। हम इस दिन पे सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और अमन और शांति के साथ इस देश की भावनाओं को समझते हुए इस मुल्क के अंदर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ में जैसे रहते आए हैं।